हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या है सहरी का टाइम और मैं यहाँ तिलावत कर रही हूँ। ये देखिए हो रही है अज़ान। तो अज़ान हो जाएंगी तो मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ लूँगी क्योंकि हानिया उठ चुकी है और यहाँ देखिए नमाज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, और मैं यासीन शरीफ पढ़ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बस इसी तरह आसानियाँ पैदा करता रहे और जो रोज़े हैं हमारे वो अच्छे से गुजरते रहें। तो फ्रेंड्स आप सबको रमज़ान का बार बार रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने हमें जो रोज़े रखने की तौफीक दी है और हमारे लिए जो रोज़े आसान किए हैं, अल्लाह हर किसी के लिए इसी तरह रोज़े आसान करे। देखिए इतना प्यारा मौसम हो रहा है, सुबह से तो बहुत धूप थी, अभी आके मौसम इतना अच्छा हुआ है। इतनी ज़ोरों की हवा चल रही थी, मैं नमाज़ पढ़ी थी जहर की, क्योंकि अभी मेरी जहर की नमाज़ हुई है और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट, क्योंकि हम सुबह से कर रहे थे ये रूम की सफाई और ये रूम की सफाई अब आके कम्प्लीट हुई है। उसके बाद हम लोग नहाए हैं, बच्चों को पहले बच्चों को नहलाते थे, फिर हम लोग नहाए, फिर नमाज़ें पढ़ी हैं। देखो कैसे रो रहे, देखो छोटा वाला फोन कहाँ गया है? दोनों बच्चों को मोबाइल चाहिए, बताओ कहाँ से लाए। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा था, तो यहाँ का जो पोर्शन था सामने का वो बिल्कुल हमने खाली कर दिया है एकदम अच्छा। और जी मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा पोर्शन हमने खाली कर दिया है। देखो यहाँ कूलर हुआ करता था तो ये कूलर हमने यहाँ से हटा दिया है। और ये जो दीवार है सामने की, इस पर हमें एल पेंट करना है क्योंकि सब एल पेंट खराब हो गया है। ऊपर तो कलर होया हुआ है क्योंकि कलर हमने रजब के पहले ही यहाँ दिया था, तो हमने इसलिए रजब के टाइम में नहीं दिया, रजब में सिर्फ आगे कलर दिया था, इसे सिर्फ एल पेंट करना है। इसके लिए पूरी हवा छोड़ दी है, देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है इधर से। और ये जो कूलर था तो उसको हमने इस चद्दर का कवर बना के चढ़ा दिया है और उस कूलर को ये साइड में लगा दिया। इस कूलर को हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये जो है ना, इसमें पानी भर गया और उसके अंदर कूलर रखना होता है, और खुदा ना खास्ता उसमें अगर करंट आ गया तो बच्चे होते हैं तो ये वजह से डर लगता है। इस वजह से हमने कूलर साल नहीं लगाया है। आगे देखेंगे ज़्यादा गर्मी होगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे। आई नमाज पढ़ रही, मम्मी जा रही है। इसे देखो हनी को, देखो हनी को, हनी 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 को मैंने छोटी सी फ्रॉक पहना दी। हनी हनी बेटू, हनी तो फ्रेंड्स अभी हो बज रहे हैं इस वक्त 2:45 और अभी बच्चे आ जाएंगे तो हम उन्हें रोज़ की तरह अरबी पढ़ा देंगे क्योंकि आज मंगल है। अम्मी को बाज़ार भी जाना है, बाज़ार से अम्मी भी सामान लेकर आ जाएंगी, और भाई से सुबह हमने गोश्त मंगाया तो आज कुछ ना कुछ खाना बनाएंगे क्योंकि खाना खाने का बहुत दिल कर रहा है। हम लोगों ने सोचा है पुलाव बिरयानी कुछ तो बनाते हैं आज, और हम बनाएंगे आज दही की पकौड़ी, दही की फुलकी जो होती हैं वो बना लेंगे, और जी थोड़े से बना लेंगे प्याज के पकौड़े, तो हमें वो भी तैयारी करनी है तैयारी की। और देखो अभी लाइट चली गई है, अभी मतलब नमाज़ पढ़ के मैं आराम से सोचा था कि हम लोग बैठेंगे, सुबह से काम कर रहे थे तो लाइट चली गई और उसमें हमारे बच्चे भी उड़ गए, सोए नहाए। सोचो इतनी गर्मी है कि सब ठंडे पानी से नहाए, यहाँ तक कि बच्चे भी ठंडे पानी से नहाए, इतनी गर्मी शदीद हो रही है इस वक्त, और उसमें लाइट नहीं है, पंखे बंद है, कूलर हम लगा नहीं सकते बच्चों की वजह से, इसलिए उसे ढाक कर रख दिया है, उस पर कवर बना के से चढ़ा के एक साइड में रख दिया है हमने। और जी मौसम दिखाती हूँ आपको, देखिए मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए लाइट गई है, कितना अंधेरा है। मम्मी नमाज पढ़ी है, कुछ ऐसा है। अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं जहर की और इस वक्त बज रहे हैं 2:45 ही बज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बच्चों को लगा दिया है मोबाइल पे कार्टून ताकि वो देखते रहें, उन्हें ABCD देखने का बहुत शौक है। हाँ मैं आ गई हूँ फिर से पीछे के रूम में क्योंकि ये रूम बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा लगता है रूम में, इसलिए हमने ये सब खाली कर दिया। ये देखें आवाज़ नहीं आ रही है उनकी, पकाने का साथ से।
बच्चे आए हनी बच्चे आए। ये बच्चे रहने देते, ये देखो ये देखो ये आ गई अब मोबाइल के लिए। ये देखो मैं मारूंगी दोनों को एक एक। ये देखो मोबाइल का क्या क्या रखा है इन्होंने। ये क्यों नहीं चाह रहा। तो फ्रेंड्स आ गए हैं बच्चे, तो मैं इनका सबक सुन लूँगी। अभी अम्मी नमाज पढ़ी है, इनकी नमाज सुन देते हैं फिर बच्चों का सबक सुनते हैं, वरना उनकी नमाज में खलल होगी। हनी इधर आ जा बेटा। रोजी की तरह, क्योंकि उन्हें पढ़ाना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी बच्चे पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी उनका भी हो जाएगा और अपना भी उतना टाइम पर टाइम जो है निकल जाता है। वो उनके साथ हंसी मजाक करते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए अच्छा लगता है जब बच्चे से वक्त गुजरता है। तो ये देखो मेरा बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल के साथ। अरे मम्मा खराब हो जाएगा बेटो तुम। ये कितने प्यारा लग रहा मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, है ना मम्मा क्या। आई मेरा बच्चा कैसे फोटो निकाला बाबू, कैसे होनी होल की बेटी, मेरी बेटी शिजादी। सारे बच्चे गए, बच्चे कैसे जा सकते हैं छोड़ के, हमें बच्चे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। जा उतर ले, तक बोल रहे थे आ जा आ जा सुन लेने के क्या बैठे यहां पढ़ाने से क्या आएंगे। सो फ्रेंड्स इस वक्त बज गए हैं 4:30, अभी तक लाइट नहीं हुई, बच्चों को जाके भी काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि लाइट आए और हम लोग तैयार भी बनाएं। माँ ही सब काट पीट के रख रही है जो भी सामान काटना है, और हमारे यहाँ हवा चलने की वजह से उधर साइड में जो लाइट के वायर जो होता है वो टूट गया है, तो वहाँ काम चालू हुई वजह से हमारी लाइट नहीं है। हमारे पीछे वाले जो पड़ोस हैं उनकी लाइट है। हम भी सोचे थे कि थोड़ा बच्चे पढ़ के चले जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे लेटेंगे, क्योंकि पीछे का रूम साफ़ करते करते वो हालत ख़राब हो गई थी। हमने सोचा थोड़ा आराम करेंगे पर आराम करने के लिए नहीं मिला। आज सब ठंडे पानी से नहा के यहाँ तक कि अफान तो दो बार ठंडे पानी से नहाया है, सोचो इतनी गर्मी शदीद है आज। इधर बैठू अम्मी, इधर है आए, इधर है, इधर है। अरे वहाँ नहीं कहा क्या कर रही है, अंधेरा हो रहा है, बच्चे भी चिड़चिड़ कर रहे हैं गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी है, बच्चों को भी ठंडे पानी से ही नहीं लाया हमने आज, क्योंकि गर्मी इतनी है तो क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह मियाँ जल्दी से लाइट दे दे तो हम लोग कुछ करें। फिर तो आज हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की। मैं तो अम्मी से ही कहती कि अम्मी तुम बिरयानी बना लो, तो अम्मी कहती है तुम खलिया बना लो। देखते हैं दोनों में से जो होगा वो बना लेंगे, या तो खलिया बना लेंगे या बिरयानी बना लेंगे, जो भी होगा दोनों में से तो बना लेंगे। और ये भी यहाँ नहीं मिले, आ तुम लगा दूँ देखोगी। चूचू टीवी हनी, चूचू टीवी हनी डाउनलोड करके रखा है बच्चों के वास्ते, वो लोग सिर्फ यही देखते हैं। क्या कर रहे दोनों। तो फ्रेंड्स फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है असर की नमाज और आ गई है लाइट भी, क्योंकि कब से लाइट नहीं थी। मेरी हालत से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गर्मी और कितनी परेशानी हो रही है। तो मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ करके रखा है, इसे बनाना है फटाफट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 6 बज गए हैं और 1 घंटे के अंदर हमें सब एक घंटा नहीं आधे घंटे में हमें सब रेडी करना है। तो मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि आज हमें बनाने हैं चने भी, फिर हमें बनानी है खलिया का सालन भी, हमें बनानी है छाछ की फुल्की, कहते हैं ना दही की फुल्की, वो भी बनानी है, और थोड़े से पकोड़े बनाने हैं क्योंकि इफ्तार में देना होते हैं बाहर भी, तो वजह से प्याज के पकोड़े बनाने हैं। तो मैं बता देती हूँ मैंने सब करके रखा है फ्रेंड, बस अल्लाह से दुआ है कि मेरा सब जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखिए ये बेसन है, तो ये मैंने अभी जो दही की फुल्की है उसका बेसन लगाया है, वो लगा के बनाते हैं। यहाँ चने उबाल के रखे हैं, यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है, यहाँ कांदा वगैरह काट के रखा है, और इधर फाइनली मेरा गोश्त गल चुका है, और इधर मैंने मसाला बना के रखा है जो कि खलिया का मसाला है। तो ये दोनों मसाले मेरे खलिये के मैंने बना के रखे हैं। मैं फटाफट बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बनाने के बाद। फ्रेंड्स पहले हम बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बनाने के बाद।
तो फ्रेंड्स पहले हम बना लेंगे पकोड़े, क्योंकि इफ्तार देना होता है तो पहले हम पकोड़े रेडी कर लेंगे। और मैंने सोचा है कि काफ़ी टाइम हो रहा है तो चने हम कल वल बना लेंगे, इसलिए मैंने चने उठा के रख दिए हैं। तो हम यहाँ फटाफट पहले पकोड़े बना लेते हैं प्याज के। और ये बन रहा है मेरा खलिए का सालन, ये देखें यहाँ खलिए का सालन रेडी हो रहा है मेरा। तो मेरी दही की फुलकियाँ बन चुकी हैं और ये देखिए मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। ये देखिए यहाँ मेरी दही की पकौड़ी रेडी है, ये बना दिए मैंने। और जी मेरा सालन भी खलिया भी मेरा तैयार होने पे आया है, ये देखिए सालन पक रहा है, ये भी हो गया है रेडी। और यहाँ मेरे पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो हम ये जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं और अम्मी को दे देते हैं। लारी लारी अम्मी हो गई निकल ले। तो फाइनली खुल गया है रोज़ा, तो हम इफ्तार कर लेते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है हमारी मगरिब की नमाज। और फ्रेंड्स देखिए ये रूम है वो पीछे का, जो पूरा हमने खाली कर दिया है और इसी कूलर को हमने कवर कर दिया है चादर से। तो अभी यहाँ काफ़ी खाली खाली लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड फाइनली हो चुकी हमारी इशा की नमाज़। और देखो हानिया सो गई थी, फिर से उठ गई है और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने बनाया था खलिया तो अभी तो भाई आया नहीं नमाज़ पढ़ के, और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो मैं खाना खाती हूँ और इसे भी सुलाती हूँ, क्योंकि ये उठ गई है आधी नींद में से। आयत भी देखूँ, ठीक है आयत को तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ की अमान, गुड नाइट, शब खैर।